वीगार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नीति को बेहतर परखते हैं विनय जी, हर लोकसभा से परिचित हैं, और आपने ये कह दिया कि तीन तलाक का प्रभाव है, 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और महिला मतदाता जो हैं वो एनडीए की तरफ देख रही हैं। क्या डॉक्टर संजय आपको ऐसा दिखाई पड़ता है क्या? अगर स्थितियां इस तरह की बनती है तो निश्चित तौर पर एनडीए के पक्ष में फिर भी माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, वैश्य मतदाता, और आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि वैश्य मतदाता परंपरागत तौर पर वो तो बीजेपी के वोटर रहे, एनडीए के वोटर रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि महिला मुस्लिम मतदाताओं का अगर झुकाव बीजेपी की तरफ होता है तो ये लवली आनंद के लिए बेहतर खबर है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, या आप ये मानते हैं कि रितु जायसवाल के उतरने की वजह से वैसे मतदाता रितु जायसवाल की तरफ जाएंगे? और जहां तक सवाल है सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का भी टिकट कटना, वैसे मतदाताओं में एक गलत मैसेज दिया है, और इसका प्रभाव सीतामढ़ी के साथ साथ इसका प्रभाव शिवहर में भी पड़ेगा और इसका प्रभाव मोतिहारी में भी पड़ेगा। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या आप मान रहे हैं कि वहां की लड़ाई दिलचस्प है? आप किसको बीस आंक रहे हैं? मतदाताओं का रुझान किधर देख रहे हैं? क्या परंपरागत वोटर्स में आप कोई शिफ्टिंग देख रहे हैं? वैसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वैसे मतदाता अमूमन बीजेपी के वोटर्स माने जाते हैं, एनडीए के वोटर्स माने जाते हैं। अगर वैसे मतदाता स्थानीय उम्मीदवार के चलते आरजेडी को वोट करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा शिफ्टिंग माना जाएगा, एक बड़ा परिवर्तन माना जाएगा। मुस्लिम महिला मतदाता अगर बीजेपी के तरफ देखती हैं तो ये एक बड़ी बात कह रहे हैं विनय कुमार जी। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप शिवहर में, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। लोकसभा जो बनाया गया वो 3 जिलों से मिलकर के बनाया गया है, उसमें मोतिहारी के 3 विधानसभा हैं, सीतामढ़ी के 2 विधानसभा हैं और शिवहर का विधानसभा है। 20% शिवहर लोकसभा में वैसे मतदाता है, 19% मुस्लिम मतदाता है और सवर्ण मतदाताओं की संख्या 17%। वहां एक नारा चल रहा है कि हम कुल को चुनेंगे, फूल को किनारे कर दें। अब कुल और फूल की लड़ाई चल रही है। रितु जायसवाल जिस वैश्य समाज से आती है, तो आपने जो कहा बिल्कुल इस बात में सच्चाई है कि वैश्यों में नाराजगी है। आपने रमा देवी का टिकट शिवहर से काट दिया, ठीक है, उम्र के जिस पड़ाव पर भी उठी, क्या उनकी जगह पर किसी वैश्य को टिकट दिया गया? सुनील कुमार पिंटू जो वैश्य समाज से आते थे, सीतामढ़ी से टिकट काट दिया, क्या उनकी जगह पर किनको दिया गया? और तीसरी चीज, मोतिहारी में एक कुशवाहा समाज को भी टिकट दे दिया है आरजेडी, तो कुशवाहा समाज भी जो मोतिहारी सीतामढ़ी और शिवहर में है वो किनके साथ खड़े हैं वो सबको पता है। तो लड़ाई बहुत कड़ी है, एक तरफ लवली आनंद के साथ ये जो सवर्ण मतदाता है वो, और मोदी मैजिक, नीतीश कुमार जी 2 दिन बीमार थे, बीमार इस रूप में थे कि वो सुशील मोदी जी के किसी भी श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल नहीं हुए, लेकिन कल सुबह एकाएक बेड से उठे और वो चले गए शिवहर। खैर, वो दिखाता है कि वो शिवहर जाकर के और वो अपने कैंडिडेट के प्रति कैसे लोगों को उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की, एड्रेस करने की कोशिश की। वो कनेक्ट होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन लड़ाई वहां कड़ी है। अगर वैसे मतदाताओं को, जो आप बार बार कह रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल माने जाते हैं कि वो बीजेपी के वोटर, लेकिन वैश्यों में नाराजगी है। वैसे कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मैं था, लेकिन जब हमें कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया जाएगा, हमें सहभागिता ही नहीं दी जाएगी, तो फिर हम किसी के वोटर बन के क्या करेंगे? और हमारे कुल की एक लड़की आई है रितु जायसवाल, वो क्या खराब है? तो ये बात वहां के समाज में बहुत अंदर तक परकोलेट होकर के चला गया। रह गई बात की रितु जायसवाल एक पंचायत की मुखिया बनी थी और पूरे देश में जो पंचायत था वो मॉडल पंचायत के रूप में स्थापित हो गया। वो कह रही है, चूंकि बतौर वो प्रवक्ता थी तो हमारे साथ
टेलीविजन चैनलों पर बराबर जुड़ती थी तो मुलाकातें बातें होते रहती थी, वो चाहे वो रितु जायसवाल हो या उनके जो पति हैं अरुण जी, उनसे भी मेरी मुलाकातें बातें होते रहती थी। तो एक संस्थान वो चलाते हैं यहाँ पर, कोचिंग संस्थान, इस बहाने भी मुलाकातें होते रहती थी। तो रितु जायसवाल कह रही है कि हमको एक पंचायत की जिम्मेवारी दी गई, हमने उसको एक मॉडल पंचायत बना दिया पूरे देश में। एक लोकसभा की जिम्मेवारी दे करके देखिए, अगर एक हम मॉडल लोकसभा क्षेत्र नहीं बनाएंगे तो फिर आप सवाल हमसे करेंगे। दूसरी तरफ एक विनम्र सौम्य छवि है रितु जायसवाल की, लवली आनंद, आनंद मोहन जी की पत्नी है। आनंद मोहन वी गॉट प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।